नाउ वी आर लाइव। देखते कौन बच्चा आया, आ जाओ जल्दी जल्दी। तो देखो बच्चे, अब यहाँ पर क्वेश्चन वन से बायोलॉजी का है, अभी फिजिक्स केमिस्ट्री का हो गया। तो बायो में तो अगर बात करें क्वेश्चंस जो आपके नीट 2021 में है, टोटली एनसीईआरटी, इवन द लाइन लाइन टू लाइन, जैसा क्वेश्चन आप सोच सकते हो कि ये लाइन से एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ सकता है एज इट इज। इवन अगर आपके मेडिको मेंटर क्लासेस पे नीट 2019, 2020, 2016 and 2017 का जो क्वेश्चन सोल्व किया गया है एनसीईआरटी विद पेज रेफरेंस, और इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप देखिएगा जिस तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया गया था, उस एक्सप्लेनेशन को अगर आप अच्छे से करते तो आप पूरा क्वेश्चन करके आते। ठीक, तो चलो हम देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो अब देखिए सेक्शन ए में हम बात करें तो डायरेक्ट देखो, म्यूटेशन इन प्लांट्स सेल्स कैन बी इंड्यूस्ड बाय, तो सीधे आंसर आप देखिएगा एनसीईआरटी पेज नंबर 87 क्लास 12 से पूछा गया है, इसका आंसर है थर्ड, गामा रेज। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो किस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। ये देखिए अगर हम बात करें इसको, एक मिनट इनेबल कर लेते हैं। अब आइए अगर आप आंसर दोगे तो देखो कैसे, ये देखिए आइए। तो यहाँ पर आपको लिस्ट वन एंड लिस्ट टू दे रखा है, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। एक मिनट बच्चे, चलिए ठीक है, तो लिस्ट वन और लिस्ट टू। तो देखो ये क्वेश्चंस, अब देखो आंसर आप ऑलरेडी बहुत जगह से देख चुके हो, यहाँ पर हमें देने का मतलब था एनसीईआरटी पेज रेफरेंस आपको बताना। तो एनसीईआरटी देखो क्या है, आंसर इसका क्या है, फर्स्ट है, आंसर फर्स्ट है आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 84-87 क्लास 11th, डायरेक्ट सवाल पूछा है, मैथ की क्वालिटी आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर है फर्स्ट। अब कैसे आंसर फर्स्ट है ये देखिए, अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा सेल विद एक्टिव सेल डिवीजन किसमें होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कहीं करने की जरूरत ही नहीं है। देखो कैसे, इसको गलत कर दो, इसको गलत कर दो, इसको गलत कर दो, बाकी आंसर डायरेक्ट आपका ये हो गया। ठीक, इसी तरह यहां पर आंसर आपका ये था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस इन पीसीआर, बहुत आसान, डायरेक्ट एनसीईआरटी पेज नंबर 202 क्लास 12। ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट है डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्स, और क्या है, एक्सटेंशन। नाउ अब देखिए मैच द कॉलम, फर्स्ट एंड सेकंड है, लिस्ट दे रखा है आपको एनसीईआरटी पेज नंबर 96-97 क्लास 11th, डायरेक्ट आपको दे रखा है। ठीक, अब यहां से देखो इसका आंसर सेकंड है, तो आप सीधे सीधे लेंटी सेल्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस देख लो, कहीं पर आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ यहां पर मिलेगा, तो इसको करने का तरीका ये होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन द सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा एनसीईआरटी पेज नंबर 98 क्लास 12th, डायरेक्ट आपके एंट्रेंस पे सवाल पूछा है, आंसर है इसका थर्ड। ठीक है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड डी, यहाँ पर प्रोटीन आ जाएगा। डायरेक्ट सिर्फ हम आपको एनसीईआरटी पेज नंबर दिखा रहे हैं, द टर्म यूज्ड, द टर्म यूज्ड, आइए देखिए यहाँ पर द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द ऑफ, यहाँ पर वन प्लांट ऑफ द स्टिग्मा टू द डिफरेंट प्लांट, तो सीधे आएगा इसका आंसर ज़ेनोबिन, एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 28। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, डीएनए स्ट्रैंड ऑन अ जेल स्ट्रैंड विद इथिडियम ब्रोमाइड व्हेन व्यूड अंडर द अल्ट्रावायलेट, सीधे सीधे एनसीईआरटी पेज नंबर 198 क्लास 12 आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ब्राइट ऑरेंज बैंड, कुछ नहीं करना था, सीधे आंसर है। नाउ नेक्स्ट आप देखिए, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट आपको देखना होता है, तो यहाँ पर ये आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 88 and 138 क्लास 11 से पूछा गया है, इसका आंसर क्या है ये देखिए,
मैच्योर सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता और यहां पर दे दिया ठीक। तो डायरेक्ट आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन स्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इन द नेचर विच मैकेनिज्म और मैकेनिज्म द कंपीटिंग स्पीशीज माइट हैव इवॉल्व्ड फॉर देयर सर्वाइवल। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, थोड़ा अलग है ठीक है। तो इसका आप आंसर फर्स्ट देंगे ठीक है। तो ये एनसीईआरटी से अलग था ठीक। इसको आप बोलिएगा, आप बोल दो ऑर्ड ऑफ एनसीईआरटी, ऑर्ड ऑफ एनसीईआरटी। नाउ नेक्स्ट देखिए, सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन आपको कराने का मतलब है एनसीईआरटी का पेज रेफरेंस बताना ठीक है। गेमा आर प्रेजेंट इन साफ साफ आपके एनसीईआरटी 34 पेज क्लास 11 पे डायग्राम बना रखा है और उसका आंसर क्या है, क्या हो जाएगा, सम लीवर फोर्स। मतलब आप बात करें इसका, हाँ क्या है, मार्केशियम लीवर फोर्स ठीक है। आइए नाउ नेक्स्ट आप देखिए क्या दे रखा है, लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। अब यहां पर ये भी क्लास 11th एनसीईआरटी पेज नंबर 274 आंसर है सेकंड ठीक है। अब कैसे, प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन ठीक है। सीधे सीधे आप बोलोगे किसमें होता है, पोटैटो में, और यहीं पर एक आंसर है, बाकी सब गलत ठीक है। ये इस तरीके से आप आंसर सेलेक्ट करोगे। नाउ नेक्स्ट देखिए, द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट फॉर्मेशन ऑफ जायगोट द F1 एंड F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड द डायग्राम साफ एनसीईआरटी। कई बार क्लास में बोला गया क्या होगा, पिनेट स्क्वायर एनसीईआरटी, रेजिनाल्ड सी पिनेट है जिन्होंने ये दिया एनसीईआरटी पेज नंबर 73 क्लास 12। अब देखिए जेनरा लाइक सेलेजिनेला एंड सेल्विनिया, डायरेक्ट आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा है, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं हेट्रोस्पोरस ये। आइए नाउ द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज रिफर्ड टू एज, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग स्टेट। डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 247 पे दे रखा है डायरेक्ट। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी का पेज रेफरेंस दिखाने के लिए बताया गया। वालेकुम अस्सलाम। आइए एमेंसिलिज्म, डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी का टेबल है क्लास 12 232 पेज पर ठीक है। आंसर फर्स्ट एमेंसिलिज्म क्लियर। आइए क्योंकि ऑलरेडी आप देखो इस तरीके से हमने करके दिया है कि आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी में जाकर देखना पेज आपको मिल जाएगा ठीक है। लिस्ट है, अब देखिए एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 186 एंड 187 डायरेक्ट दे रखा है। अब यहां पर आपको देखना है कोहेशन एडेशन ठीक है, और क्या है, सरफेस टेंशन एंड गटेशन ठीक है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट डायरेक्ट, बिना टाइम लिए आपको डायरेक्ट क्या है, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। ये आपके एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 202 एंड 212 में डायरेक्ट पूछा, इसका आंसर थर्ड है, प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। ये भी आपके एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है क्लास 12 201 पेज पर डीएनए डायरेक्ट। आइए नाउ नेक्स्ट आप देखिए, इन द इक्वेशन ये भी एनसीईआरटी का डायरेक्ट दे रखा है पेज नंबर 243 क्लास 12 रेस्पिरेटरी लॉस। आर रिप्रेजेंट किसको करता है, रेस्पिरेटरी लॉस। नाउ नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन, तो सॉर्गम के साथ एक और था कौन, मेज। आप देखिएगा जाकर के एनसीईआरटी पेज नंबर 218 क्लास 11, तो क्या होगा दिस, दैट मींस कि ये बोल रहा है सी फोर प्लांट्स ठीक है। यहां पर क्या है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है कार्बन फोर का ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कार्जिनिन, ये भी आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्लास 11 पेज नंबर 32 पे दे रखा है, आंसर होगा रेड एल्गी ठीक। आइए नाउ क्वेश्चन सॉल्व कराने का यहाँ पे मकसद बस एक चीज है बच्चे, कि आप एनसीईआरटी का पेज देखें। सर एमयू में अगर फिजिक्स
छोड़ दो तो चलेगा, कोई बात नहीं। ए देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का कोई मतलब नहीं, आपका स्कोर होना चाहिए जो कॉलेज का कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग आपका स्कोर होना चाहिए। सिंपल सी बात है, आप कहीं से भी स्कोर करो, डजंट मैटर कि आप फिजिक्स कर रहे हो, केमिस्ट्री से कर रहे हो या बायो से कर रहे हो, ठीक है, वो कोई बात नहीं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, एनसीईआरटी। देखो डायरेक्ट बच्चे, आप कितने भी नोट्स पढ़ लेते हो, एनसीईआरटी रिवाइज नहीं करते हो, यहाँ फंस जाते हो। तो बायो के लिए एनसीईआरटी मस्ट है बच्चे, वही आपका टाइम सेव करेगा, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री की तरफ आगोगे। क्या है, पेज नंबर 248-249 क्लास 12 डायरेक्ट एनसीईआरटी। देखो आपसे बोला था नॉट करेक्ट, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट, ठीक है, जनरली, तो क्या होगा इसका इनवर्टेड होगा। एक मिनट, वेट, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, सही है, हाँ सही है आंसर, जनरल इनवर्टेड होता है, ठीक है, बिल्कुल सही, इनवर्टेड पिरामिड नंबर ग्राफ लाइन इक्वल, ओके ओके ओके, आइए एनसीईआरटी पेज नंबर 141 से क्लास लेवल से क्वेश्चन पूछा जा चुका। अब देखो ये क्या है बच्चे, ये क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है बच्चे, बस एक चीज एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है यहाँ पर, सेंट्रोमियर, डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी का सिस्टम ही थैलाकोइड और ये क्रिस्टी दे रखा है, बस सेंट्रोमियर नहीं दे रखा और मैच डी फॉलोइंग आपको दे रखा है डायरेक्ट, ठीक है। तो देखो एक अगर आप देखें तो क्या होगा, इन फोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो डायरेक्ट आप देखो यहां पर आपका आंसर जा रहा है, ठीक है। आई नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट्स, एनसीईआरटी का टेबल है क्लास 11 बायोमोलिक्यूल्स पेज नंबर 146, ठीक है, तो आंसर होगा ये मेन मेटाबोलाइट है। आइए देखिए, which of the following algae contain mannitol as a reserve food? ये आपके NCERT का box जो दे रखा है, ठीक है, उसमें दे रखा है इसके बारे में, और next से पहले पेज पर आपको दे रखा है उसका example, तो answer हो जाएगा ectocarpus, ठीक है। आइए next देखिए, our typical angiosperm साफ NCERT class 12 page number 27 पे दे रखा है, 8 nucleated 7 cell stage। Now आइए next आप देखें, next क्या है, डाई एडल्फस एकदम साफ साफ आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 75 क्लास 11 में दे रखा है। आइए नेक्स्ट, व्हेन द जीन टारगेटिंग क्या है, इन्वॉल्विंग द जीन एम्प्लीफिकेशन इज अटेम्प्ट इन एन इंडिविजुअल टिश्यू टू ट्रीट डिजीज इज, क्या बोलिएगा आंसर, ठीक है, जीन थेरेपी, ठीक है, टिश्यू का, ठीक है, तो इसमें क्या है, बोन मैरो टिश्यू यूज करते हैं, ठीक, NCERT पेज नंबर 211 क्लास 12 डायरेक्ट NCERT से। अब ये भी देखिए, NCERT क्लास 11 पेज नंबर 169 डायरेक्ट आपके एंट्रेंस में पूछा है NCERT से, आंसर होगा दिस। यहां पर क्वेश्चन सोल्व करने का मैं बार बार आपको बता रहा हूं एक ही है बच्चे, कि नो है, ठीक है, ओके ओके, बिलाल शेख, तो यहां पर सिर्फ आपको ये बताना बच्चे कि आपके एनसीईआरटी कितने इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन आपका हो चुका नीट 2021 का, अब ये जो आपको जो क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो अब 2021 जो दर्ज चुके हैं उनके लिए तो सिर्फ आंसर इंपॉर्टेंट रखता है, लेकिन जो 2022 के लिए स्पिरेंट है उनके लिए ये एस्पिरेशन है, इस मोटिवेशन है कि आप कैसे एनसीईआरटी को पढ़े और कैसे अपना प्रिपरेशन करें। एक, तो याद रखिए साफ एनसीईआरटी पेज नंबर 146 क्लास 11 क्लास की साइड। आइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इन इज मोनोशियस, एनसीईआरटी क्लास 12 डायरेक्ट आपके पेज नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का सवाल है, क्या बोलिएगा कार। आइए बाकी के ऑप्शन से आपको मतलब ही नहीं है डियर, बाकी ऑप्शन से मतलब नहीं है आपको, तो सही एक से टिक लगाना, एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 139 देखिए डायरेक्ट सवाल पूछा, व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द टू इक्वल आर्म्स, सीधे मेटासेंट्रिक। आइए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
द साइट ऑफ द परसेप्शन ऑफ द लाइट इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटो पीरियोडिज्म इज एग, क्या है? लीफ। क्या बोलिएगा? लीफ। ठीक है, डायरेक्ट 252। ओके, आइए एनसीईआरटी में दे रखा है साफ साफ, द फैक्टर दैट लीड्स टू द फॉन्डर इफेक्ट इन पॉपुलेशन इज डायरेक्ट एनसीईआरटी पेज नंबर 137 क्लास 12। क्या बोलिएगा? जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, ये भी आपके एनसीईआरटी डायरेक्ट दे रखा है 249 क्लास 11। ठीक है, आंसर 240 डायरेक्ट दे रखा है। आइए अब देखिए यहां पर दे रखा बच्चों मैच दी फॉलोइंग, वंस अगेन आ गया मैच दी फॉलोइंग। ठीक है सर, मैं क्लास 9th में पढ़ता हूँ और मैं आपसे पढ़ता हूँ सर, आप मान हो सर मैं 9th में हूँ बट मैं 12th तक का साइंस फिनिश कर चुका हूँ और नीट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर, आपसे एक बार एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो बच्चे, क्वेश्चन पूछो। ठीक है, और आप आए मेडिकोमेंटल क्लासेस और मिले हमसे। ठीक है, तो ये भी देखो एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 201 एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये सॉल्यूशन करने का मतलब सिर्फ एक था कि हम आपको ये बता सके कि कैसे सवाल एनसीईआरटी से पूछा गया है। ठीक है, तो देखो 201 पेज से आपके सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट टू डायरेक्ट दे रखा है, आपको मैच दी फॉलोइंग करना है, आंसर इसका फर्स्ट। ठीक, आइए नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर, करेक्ट पेयर ये भी एनसीईआरटी पेज नंबर 95 क्लास 11। ठीक है, क्लास 11 करेक्ट पेयर साफ साफ आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, आप देखोगे मिल जाएगा। ठीक, आई नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको देखना है एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 23 से ये सवाल पूछा जा चुका है। देखिए तो जो इसका आंसर है ये आपको क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई आप देखेंगे तो वहां से आपको मिल जाएगा फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। ठीक है, गैमेट्स है तो इसको आप बोलिएगा क्या है, ठीक है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स, तो ये चीज हो गया आपका आंसर दिस। नाउ नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 110। देखो प्रोकैरियोट में तो क्या होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन नहीं होता है, यूकैरियोट में होता है कैपिंग होता है टेलिंग होता है स्प्लाइसिंग होता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती है स्प्लाइसिंग कैपिंग टेलिंग। तो यहां पर एनसीईआरटी पेज नंबर 110 क्लास 12 डायरेक्ट आरएनए आपसे करेक्ट, आरएनए पॉलीमराइज बाइंड विद द रो फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन द बैक्टीरिया। आइए नेक्स्ट, अब ये भी आपके डायरेक्ट इक्वेशन आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, तो ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एनसीईआरटी पेज नंबर 230 क्लास 12 आंसर है थर्ड। ठीक है, द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल टर्म। आई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, देखो करेक्ट और इनकरेक्ट मेनली पूछा जा रहा है एनसीईआरटी पेज नंबर 233 क्लास 11। ठीक है, आपसे इनकरेक्ट पूछा है आंसर, इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम One molecules of this gives two, बिल्कुल गलत, ये क्या देता है three और ये क्या देता है two, तो ये चीज गलत हो गया, आंसर हो गया आपका this। आइए next, what is the role of RNA polymerase third, ये भी आपके NCERT में direct दे रखा है 111 class 12, बिल्कुल जाकर आप देखिएगा NCERT में दे रखा होगा। ठीक है, this answer, now next आइए, in some member of which of the following pair of the family pollen grains retain their viability for month after release, direct NCERT page number 24 class 12, जाकर देखिएगा आंसर, रोजेसी एंड लेगुमिनेसी फैमिली। ठीक, आइए ये भी आपके सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल से सवाल है बच्चे। ठीक है सर, क्या NCERT से ही क्वेश्चन आते हैं? एनसीईआरटी से नहीं बच्चे, एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन आते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी बोलने से मतलब नहीं है, लाइन टू लाइन, इसीलिए तो हम आपको एनसीईआरटी पेज के साथ बताया। इससे पहले फिजिक्स हो रहा था, फिर केमिस्ट्री हुआ, फिर उसके बाद बायो, तो हमने आपको इसलिए अभी आया। अब ये चीज हम कल भी करा देते लेकिन आज इसलिए करा रहे कि आप अभी देख लें। ठीक है,
और जो बाद में बच्चे रिकॉर्डेड देख लेंगे, ठीक है। आइए एनसीईआरटी पेज नंबर 163 164 क्लास 11, ठीक है, आंसर है इसका थर्ड, ठीक है, साफ साफ। तो ये लास्ट ईयर क्वेश्चन टेस्ट स्टेज के बारे में आपसे पूछा गया था। आइए Nowadays it is possible to detect the mutated gene causing cancer by allowing radioactive probe factor to hybridize its complementary DNA in a clone of cells followed by its detection using the auto radiography because NCERT page number 152 class 12 answer third, ठीक है। क्या होगा, mutated gene does not appear on the photographic film as the probe has no complementary with it, direct NCERT का line है। आइए come to the next question, plasmid, हाँ यहाँ पर आप बात करोगे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आपका पूरा डायग्राम दे रखा है इस तरीके से, तो आपसे कह रहा प्लास्मिड PBR322 has this restriction enzyme side with this gene and that confirms the ampicillin resistance if this enzyme is used for inserting a gene for beta galactosidase, the production and the recombinant plasmid is inserted in an E. coli stem. So answer 199 class 12. It led to the lysis of host cell. Aye. Now, अब देखो हमने बहुत बार बच्चों को ये बात कहा था कि देखो आपके NCERT में फ्लोरल फॉर्मूला दे रखा है और वो मैच दी फॉलोइंग कर सवाल पूछा जा सकता है और ये सवाल आ गया बच्चे, ठीक है, ये सवाल आ गया। मैं जो क्लास ऑफलाइन में बच्चे थे और जिन्हें हमने ऑनलाइन में पढ़ाया था उनको भी ये बात बताया था कि ये मैच दी फॉलोइंग करके सवाल आ सकता है और आ गया बच्चे, ठीक है। तो बहुत जल्दी बच्चे हमने 15 सितंबर से हम लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, 15 सितंबर से, ठीक है, लाइव क्लास। तो देखो अलग अलग दे रखा था और ये मैच दी फॉलोइंग में आ गया सवाल, तो इसमें एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस ये हम बताना चाह रहे हैं कि ये देखो इस तरीके से, और एक फैमिली का तो डिस्क्रिप्शन ही नहीं है, ब्रेसी कैसी का डिस्क्रिप्शन नहीं है, सिर्फ फ्लोरल फॉर्मूला है, सिर्फ फ्लोरल फॉर्मूला है। तो ये तो भाई रटने का और याद करने का है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन। तो आप इसका आंसर क्या बोलिएगा, फर्स्ट, ठीक है, आंसर फर्स्ट, ठीक। तो ऐसे बताया गया था NCERT का इंपॉर्टेंस। देखो बच्चे अभी आपके चैट को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। देखो NCERT आप पढ़ोगे पेज नंबर 212 पेज पढ़ोगे क्लास 11 का, मिल जाएगा आंसर, ठीक है। देखो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड दोनों इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा चैट पढ़ लें, चैट क्या है सर, एमयू में जो गाइड ली थी वो मार्च की है तो उसकी करें। देखो ओके ओके हाँ क्रिएशन, ठीक हाँ। तो देखो आप 11 एंट्रेंस के हो या नीट के, तो नीट में तो भाई एमयू का जो एंट्रेंस होता है वो नीट के थ्रू एंट्री होता है बच्चे, ठीक है। तो करंट अफेयर की बात कर रहे हो, वो क्या बात कर रहे, मैं समझ नहीं पाया। तो देखिए ठीक है, तो करंट अफेयर, हाँ क्लास 11, हाँ तो करंट अफेयर तो आएगा, तो डेली लाइव क्लास 11 AM to 1:30 PM चल रही है, आप उसको ज्वाइन करो, वहां पर पूरा का पूरा लाइव क्लास चल रही है, जीके करंट अफेयर साइंस मैथ सारी चीजें कंप्लीट चल रही है, ठीक है। आइए तो यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट होता है, ठीक है, क्लियर। आइए नाउ नेक्स्ट आप देखिए, हाँ तो नेक्स्ट क्या है, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो देख लीजिए डायरेक्ट NCERT आप जाकर देखिए क्लास 11 पेज नंबर 44 आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर फर्स्ट, ठीक है। फास्ट फास्ट करते हैं बच्चे, क्योंकि ये आपको हमने NCERT पेज नंबर रेफरेंस के साथ बता दिया, तो आपको कहीं से आंसर की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट आप जाकर NCERT देखोगे वहां पर मिल जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। एक बार तो कम से कम एक बार हमारा
सॉल्यूशन देखोगे एक बार एनसीईआरटी तो रिवाइज आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी पेज नंबर 121 क्लास 12 डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इन्वॉल्व द आइडेंटिफाइंग द डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस डायरेक्ट, क्या है रिपीटेटिव, एनसीईआरटी में दे रखा है। आइए सेक्शन ए बायोलॉजी जूलॉजी आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ स्मूथ मसल्स, एनसीईआरटी पेज नंबर 105 क्लास 11, ठीक है। क्या है, कम्युनिकेशन अमंग द सेल्स इज क्या है परफॉर्म इंटरकैलेटेड डिस्क, बच्चे कहां कार्डियक मसल में होता है, कार्डियक मसल्स में होता है, ब्रांच ऑब्लिकली ब्रांच्ड होता है। तो आंसर हो गया दिस। आई नाउ कम टू द नेक्स्ट, the organelles that are included in the endomembrane system direct aapke NCERT 133 page class 11th mein de rakha hai, endoplasmic reticulum, golgi complex, lysosome and vacuole, theek। to aisa class mein bataya gaya tha ki aapko which of the following cell organelle under the kya hai endomembrane system mein aayega aur kaun nahi aayega, aisa sawal ban sakta hai, direct class mein bataya gaya tha aisi baat। aaiye now dekho with regard to the insulin direct aap NCERT ka choose the correct option, NCERT page number 211 class 12th answer aapka kya hai this A C and D। to dekho C peptide nahi hota isliye to pro insulin se insulin hota hai, aur aap baat karenge theek hai क्या यहां पर प्रो, हाँ तो इसमें होता है अभी बताया मैंने आपको, और क्या है ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक। तो इसमें इंसुलिन प्रोड्यूस बाय आरएनए, हाँ जी बिल्कुल, तो ये जो होता है तो इसमें ये नहीं होता है, ठीक है। आइए नाउ हाँ व्हेन क्या वेनरल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू एनसीईआरटी पेज नंबर 63 क्लास 12, ठीक है। आंसर है B, C and D, B, blood transfusion से क्या है infected, क्या है mother to the fetus and kissing, आइए। Now, select the favorable conditions required for the formation of, ये भी NCERT direct आपके exercise का भी question है, और NCERT में आप कई बार सवाल बोला गया था कि ये पूछा जाएगा, इसके लिए हम बताते cadet, right, shift, shift, कैडेट मतलब क्या है सब कुछ बढ़ा करके बोल दो आप, ठीक है। और तो फिर क्या होगा राइट शिफ्ट, मतलब डी राइट शिफ्ट का मतलब डिसोसिएशन, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब एसोसिएशन। आइए तो यहां पर कह रहा है ऑक्स, हां एल्वियोलर पे बोल रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेस एच प्लस, दैट मींस क्या हो जाएगा हाँ लेस पीएच इसका ज्यादा हो जाएगा, और क्या है ये अल्कलाइन की तरफ जाएगा, लो टेम्परेचर बिल्कुल सही, ठीक है। ये आइए क्या है मैच द फॉलोइंग, अब यहां पर डायरेक्ट आप देखकर बोल सकते हो एनसीईआरटी क्लास 11 कितने पेज से ये उठाया गया है, ठीक है। तो फाइजेलिया पुर्तगीज मैन ऑफ वार होता है, देखो कहां कहां, दैट मींस ये और ये तो बिल्कुल गलत हो गया। लिमुलस होता है लिविंग फॉसिल्स, लिविंग फॉसिल्स बी का थर्ड आप देख लो, बी का थर्ड देख लो तो दोनों जगह है। सी आप देखिए क्या है इनसाइक्लोस्टोमेटा, इनसाइक्लोस्टोमेटा तो आपका क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो कहां गया, हाँ ये हुक फोर 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 फोर, हाँ यहां पर, ठीक है। अच्छा आंसर तो वहां लिखा है, ठीक है। और देखिए पिक टॉडा क्या बोलिएगा, हाँ ये आपका मोलस्क का एग्जांपल है। आइए इन अ क्रॉस बिटवीन अ मेल एंड फीमेल बोथ हेटरोजाइगस HBA HBS को क्रॉस कराया HBA HBS से, तो देखो क्या हो जाएगा HBA HBS HBA और HBS। आपसे पूछ क्या रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी विल बी डिजीज्ड, HBA HBA ये हो गया नॉर्मल, क्या बोलोगे इसको नॉर्मल, ठीक है इसको बोलोगे आप नॉर्मल,
हाँ जी, इसको आप बोलोगे नॉर्मल, HbA, इसको आप बोलोगे कैरियर, फेनोटाइपिकली नॉर्मल हो गया, HbA, HbS, सॉरी ये हो गया S, तो ये भी हो गया कैरियर। अब देखो HbS, दिस इज डिजीज, तो 1/4 × 100 That is 25%. तो आपका आंसर ये NCR। आइए, तो डायरेक्टली तो नहीं था, लेकिन हाँ ये आपको पता होगा HbA, HbS होता है, तो आप इस तरह से टिक लगा लेंगे। क्लियर? आइए नाउ, अब देखिए मैच द लिस्ट फर्स्ट टू द लिस्ट सेकंड। अब यहाँ पर ये आपके NCERT डायरेक्ट सवाल, ठीक है, कुछ नहीं करना है, पेज नंबर 183 पे जाइएगा, आपको मिल जाएगा स्प्रिंटर, डायरेक्ट NCERT आप जाएंगे पेज नंबर 261 पे, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। बायो फोर्टिफिकेशन ये भी आपके NCERT डायरेक्ट आप जाएंगे पेज पर 176 पे, क्लास 12, ठीक है, बायो फोर्टिफिकेशन क्लास 12, ठीक। अरे नौ इरिथ्रोप्योटी डायरेक्ट NCERT का सवाल है, कहां इंडोक्राइन सिस्टम का, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर हॉलो एंड न्यूमेटिक, तो यहां पर एप्स आपको आना चाहिए, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा दिस, ठीक है, क्या होगा नियो फ्रॉम, आंसर 59 पर जाके देखिएगा, ठीक। अब सेंट्रियोल अंडरगो डुप्लीकेशन इस फेज में, डायरेक्ट आप NCERT में जाइएगा, आपको मिल जाएगा, क्लियर। आइए डॉप्सन यूनिट आपके NCERT का, बच्चे कुछ नया नहीं बता रहे, डायरेक्ट NCERT, ठीक है, क्या हो जाएगा इसके लिए, ओजोन थिकनेस के लिए, ठीक। आज मेंटिक्यूज क्लास 11 एंट्रेंस का हो रहा था, उसमें भी ये मैंने कराया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मस्किडिया, आपके क्लास 11 पेज नंबर 11 पे क्या है, बहुत सारे फैमिलीज का बहुत सारा साइंटिफिक नेम दे रखा है, मतलब क्या है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की दे रखा है, ठीक है, किंगडम डिवीजन क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज के बारे में वहां पर आपको मिल जाएगा। और नाउ अब देखिए रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पढ़े आपके NCERT क्लास 11 पेज नंबर 50, 51, 52, 54 से यह सवाल उठाया हुआ है, आप डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा दिस, ठीक। ये कह रहा है आपसे पूछ रहा है करेक्ट बनाना है, करेक्ट, ठीक है, तो ये आपका यहां नहीं होगा, ये किसमें होता है आप बात करें तो सेलेन ट्रेड्स में होता है, सेलेन ट्रेड्स में, ये बिल्कुल सही, ये सही है, ठीक है, ऑर्गेन, हाँ ठीक है, तो ये भी सही है, बिल्कुल सही, और कॉम्प्लेक्स टेनोफोरा, हाँ डाइजेशन में नहीं, ठीक है, डाइजेशन में नहीं हेल्प करेगा, ठीक, और वाटर, ये बिल्कुल सही है। नाउ फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज अर्ली डायग्नोसिस अंडर द अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक्स टेक्निक इज वेरी यूजफुल फॉर अर्ली डिटेक्शन, इलाइजा, डायरेक्ट आपके NCERT में दे रखा है। रिसेप्टर्स फॉर द स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन जोना पेलुसिडा, NCERT पेज नंबर 51 क्लास 12 डायरेक्ट NCERT, क्लियर। आइए ठीक है, क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन NCERT, डायरेक्ट आपको माइस्थेनिया ग्रेविस बताया गया क्लास में, बच्चे ऐसा सवाल बन सकता है दो को मिलाकर, ये नर्वस सिस्टम आप बात करेंगे तो वहां पर दे रखा है नर्वस सिस्टम, कहां पर नर्वस, सॉरी मूवमेंट एंड लोकोमोशन में ये क्वेश्चन दे रखा था, मूवमेंट एंड लोकोमोशन दैट इज रिलेटेड टू क्लास 12, क्या है डिजीज से। आइए नाउ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीज, सारे के सारे कॉपर रिलीज है, बस एक को छोड़कर, NCERT पेज नंबर 60 पे जाकर देखिएगा क्लास 12 के। अब 60-61 पे आ जाइए, देखिए साफ आपको मिलेगा आंसर दिस, ठीक है, कुछ अलग नहीं है, साफ साफ है, आपको यहाँ से मिल जाएगा। आइए Now, 172 बात करें, मेटा मैच द फॉलोइंग, मेटामेरिज्म इसमें आपको मिलेगा, मेटामेरिज्म जल्दी से बताइए, एनेलिडा आपको एनेलिडा में अर्थवर्म,
ठीक है, तो फर्स्ट का थर्ड दो जगह पर है, कैनाल सिस्टम पॉलीफेरा में फोर दो जगह पे है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स किसमें टेनोफोरा सेकंड, सेकंड आप देखें यहां तो आपका आंसर दिस होगा और एनसीईआरटी इतने पेज से ये क्वेश्चन उठाया हुआ है। आइए अब देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, देखो कैसे एनसीईआरटी जाकर पेज नंबर 164 देखिएगा लेफ्ट मोस्ट पे आपके एक बॉक्स में कुछ लिखा बना है, ठीक है, कुछ लिखा है वहीं से क्वेश्चन उठा के दे दिया, बस लैंग्वेज बदल दिया है, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं आता, से क्या है डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग द पीसीआर इफ वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन इन द बिगिनिंग देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ पीसीआर डीनेचुरेशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे डीनेचुरेशन होता है। नेक्स्ट अब देखो ये हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, अगर आपने किया होगा तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं, ठीक है, क्या होता है एडेनिन बराबर थायमिन, थायमिन होता है और गुआनिन बराबर साइटोसिन होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, तो अगर एडेनिन कितना है 30% है तो साइटोसिन भी 30% होगा, दैट मींस कि ये दोनों मिलाकर के कितने हो गए 60, तो ये हो जाएंगे 20%, ठीक है 20%, तो आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक, तो ये देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज बदल दिया, परसेंटेज बदल दिया, आपसे सवाल पूछ लिया। आइए विच ऑफ द विच इन लाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन, तो इसका आंसर होगा थ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में आता है, देखो थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में करता है, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलता है। आइए एनसीईआरटी पेज नंबर 281 क्लास 11 देखिएगा क्या है। आइए नेक्स्ट सकस इंटेरिकस, अब देखो ये भी हमने क्या बोला एक्सरसाइज क्वेश्चन, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इंटेस्टाइनल जूस। आइए ठीक है, इसमें कुछ बात ही नहीं है कि आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाए बच्चे, कोई बात ही नहीं कि आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाए, ठीक है, हाय सर, हाय बच्चे, प्रेजेंट फैजान अहमद मक्की, ओके ठीक है, हाँ तो चलो बात ऐसी है ना, दिन ढल जाए तो बात नहीं होती, ठीक है, इसीलिए कि आप लोग कंटिन्यूअस क्लास आपका सॉल्यूशन दे रहे थे तो लास्ट में मेरा टर्न आया तो मुझे लास्ट में देना पड़ा, ठीक है। आइए तो लेकिन यहाँ पर देखो हमने पूरा बच्चे अभी तक कहीं पर आपको ये नहीं मिलेगा पूरे जहां जहां सॉल्यूशन मिला है वहां पर एनसीईआरटी विद पेज रेफरेंस आपको नहीं मिलेगा, बस आंसर मिलेगा, यहाँ पर हम आपको एनसीईआरटी पेज रेफरेंस के साथ दे रहे, ये आपके एनसीईआरटी पेज नंबर में टेबल में बना है, जाकर देखिएगा, तो इससे आपको इंपॉर्टेंट मिल रहा है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये तो सॉल्यूशन जिन्होंने नीट 2021 दे दिया उनके लिए ये सिर्फ आंसर की है और कुछ नहीं, लेकिन जो नीट 2022 एस्पिरेंट है उनके लिए ये मोटिवेशन है, एस्पिरेशन है कि आप किस तरीके से आने वाला नीट का प्रिपरेशन कर सके, ठीक है। तो और मैंने आपको बताया कि हम लाइव क्लास स्टार्ट कर रहे हैं 15 सितंबर से, तो आप ज्वाइन करें लाइव क्लास, वहां पर भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा और आपको ये बताया जाएगा कि एनसीईआरटी से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, ठीक है, तो देखो एनसीईआरटी पेज नंबर 146 क्लास 11 आपका आज, ठीक है, तो ये क्या है टॉक्सिन, क्या है टॉक्सिन। आइए नेक्स्ट विच स्टेज ऑफ द मियोटिक प्रोफेज शो टर्मिनेशन, तो क्या हो जाएगा ऑफ काइजमाटा एज इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर, तो आप बोलिएगा डायाकाइनेसिस, क्या बोलिएगा डायाकाइनेसिस। आइए पर्सन विद एबी ब्लड ग्रुप, अब एबी ब्लड ग्रुप देखो आई ए आई बी, ये किसका है को डोमिनेंस का एग्जांपल, ठीक है, जहां पर एंटीजेन क्या ए एंड बी होता है बट नो एंटी बॉडीज होता है, ठीक है, तो एनसीईआरटी पेज नंबर 280 क्लास 11 आपका आंसर हो गया दिस एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटी ए एंड एंटी बी इन प्लाज्मा। आइए
स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस आइडेंटिफाइड बाय द इंडो न्यूक्लियस टू मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए विद इन द डीएनए. तो इसका आंसर एनसीईआरटी पेज नंबर 196 क्लास 12 में आपको मिलेगा. ठीक है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है बच्चे, डायरेक्ट. आइए नाउ 82. Which of the following characteristic is incorrect with respect to the cockroach? ठीक है, NCERT page number 113 class 11 direct आपको मिलेगा. ठीक है, यहाँ पर present कहाँ पर? हाँ हाँ foregut and midgut, not hind. ठीक है, आइए तो चलिए क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज. हाँ तो ये भी यूज होता है, ये भी यूज होता है, ये भी यूज होता है, पर ये यूज नहीं होता. तो आपका आंसर दिस हो जाएगा एनसीईआरटी पेज नंबर 114 क्लास 12 वेयर व्हाट इज द ओनली एंजाइम दैट हैज कैपेबिलिटी टू कैटालाइज इन. हाँ सारे के सारे इनिशिएशन भी कर रहा है, इलोंगेशन भी कर रहा है, टर्मिनेशन, लेकिन किसमें? प्रोकैरियोट. आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट पेज नंबर 108 क्लास 12 में डायरेक्ट दे रखा बच्चे, याद रखिएगा आंसर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मतलब इसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज. ठीक है, जो कि क्या करेगा? रैपली, ठीक है, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन, एक मिनट. सही कर दें इसको प्लीज. हाँ डीएनए डिपेंडेंट, हाँ तो आप इसको आरएनए पॉलीमरेज बोलेंगे. क्यों? क्योंकि व्हाई वी कॉल डीएनए डिपेंडेंट, क्योंकि डीएनए से आरएनए बन रहा है, इसीलिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोला गया. ठीक है, हाँ तो याद रखिएगा ये डीएनए से क्या बना रहा है? एम आरएनए बना रहा है, इसीलिए इसको डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. द पार्शियल प्रेशर इन MMHG ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वियोलर, याद रखिएगा एनसीईआरटी डायरेक्ट टेबल है बच्चे. ठीक है, क्या है टेबल? आंसर दिस. आइए सेक्शन बी बायोलॉजी जूलॉजी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन मल्टीपल ओवुलेशन. ठीक है, एम्ब्रियो डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 168 एंड 169 आंसर फर्स्ट. ठीक है, यहां पर LH नहीं FSH देते हैं, FSH. आइए क्या है? Which of the following secretes the hormone relaxin during the later phase of pregnancy? तो इसका आंसर corpus luteum, NCERT page number 53 class 12. आइए now क्या है during pain? हाँ during the muscle contraction class 11 में direct आप देखिएगा आपके NCERT में दे रखा है, आंसर हो जाएगा इसका this. ठीक है, आप देख ले डायरेक्ट टू डायरेक्ट एनसीईआरटी में दे रखा है लाइन बच्चे, कुछ भी अलग नहीं, ये भी आपके 144 क्लास 11 एनसीईआरटी लाइन में मिलेगा. आंसर है इसका मैप कर लिया. ठीक है, लिपिड ओनली सिंगल बॉन्ड फॉर लिपिड्स हैव ओनली सिंगल बॉन्ड नहीं. ठीक है, एक मिनट देख ले इसका और क्या क्या था ऑप्शन. एक मिनट बच्चे इसका हम ये लेकर आते हैं, एक मिनट. क्वेश्चन नंबर 189. वेट
तो देखो ए एंड बी, थर्ड है बी एंड सी ऑनली, ठीक है, और फोर है इसका बी एंड ई ऑनली, तो इसका आंसर है बच्चे थर्ड, ठीक है, ये बी एंड सी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड भी होता है, अनसैचुरेटेड बोलते हैं, लेस इथेन ये सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड, ठीक है। नाउ अगर बात करें तो ट्राई हाइड्रोक्सी बिल्कुल सही, ग्लिसरॉल इस तरीके से होता है CH2OH CH OH CH2OH होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। आइए हाँ, तो देखो इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं क्या, कौन सा एसिड बोलते हैं, एराकिडोनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, एराकिडोनिक एसिड, क्लियर। आइए और ये इसको आप बोलिएगा क्या, पाल्मिटिक एसिडिक नहीं होगा, ये बेसिक होता है, बेसिक। आइए क्या है, लिस्ट वन लिस्ट टू, डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी, देखो यहां यहां से उठा के दिया है, आंसर हो जाएगा दिस, ठीक है। हाँ, तो एक से आपको एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है, क्या होता है, डार्विन फिंचेस के लिए, और कहीं पर है ही नहीं, कहीं पर है ही नहीं। आइए आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल जंक्शन, एनसीईआरटी डायरेक्ट पेज नंबर 102 पे देखिएगा, आपको आंसर मिलेगा टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन रिस्पेक्टिवली। आइए क्या है, 93 फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट प्रोस्टोमियम ऑफ अर्थवर्म, आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट 106 पेज पे देखिएगा, क्लास 11, ठीक है, क्या हो जाएगा, माउथ बकल कैविटी, वहां पे लिखा है, क्या लिखा है, ब्रैकेट बकल कैविटी, ब्रैकेट में माउथ लिखा है। आइए ठीक है, एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी रिजल्ट इन जल्दी से डिसफंक्शन ऑफ जेनेटिक इम्यून सिस्टम, जहां पर क्या करते हैं आप, जीन थेरेपी का याद करें, ठीक है, एडिनोसिन डी एमिनेज डिजीज, ठीक है, जिसको आप वहां पर बोला था स्किड्स सीवियर कंबाइंड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। आइए अब देखिए क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, तो ये एयूजी कोड फॉर मिथियोनिन बट नॉट फेनाइल एथिलीन, ठीक है, यूयूयू से होता है, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत, स्टेटमेंट इज, हाँ यहां देखो, तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा, दूसरा देखते हैं, बोथ इज, ये सही गलत हो गया, ठीक। अब देखते हैं, अब यहां पर कहां पर दोनों फॉल्स निकला, देखिए नेक्स्ट हम देखें कहां गया, इन द लाइट अबव चूज द स्टेटमेंट ए ए एम बोथ कोड फॉर, हाँ बिल्कुल सही, ये सही है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा दिस, क्लियर। आइए नाउ अजर्शन रीजन, देखो इस तरीके से, मतलब अभी तक तो नीट में नहीं आया था, इस बार अजर्शन रीजन भी आ गया, तो ये आपको इंडिकेट्स कर रहा है आने वाले नीट 2022 में भर के अजर्शन रीजन आ सकता है, एक क्वेश्चन से आपको ये इंडिकेट दिया गया कैसा सवाल बन सकता है। आइए नाउ नेक्स्ट हम बात करें, ठीक है, तो पेज नंबर 226 से आया है,
ठीक है, पर्सन बोल हाई एल्टीट्यूड, एनसीईआरटी इकोलॉजी का सवाल है, डायरेक्ट आप देखिए, ठीक है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप एनसीईआरटी पेज पे जाइएगा, आपको अपने आप मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, टाइम खराब नहीं करेंगे। आई ये भी मैथ की पॉलिंग एनसीईआरटी जहां यहाँ पेज से उठाया गया है, सीधे सीधे आंसर होगा थर्ड, ठीक है, आंसर होगा थर्ड। आइए नाउ क्या है, लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड दे रखा है, ये भी आपके एनसीईआरटी दो पेज से उठाया है, कुछ भी खास नहीं है इस क्वेश्चन में बच्चे, बहुत बहुत आसान सवाल डायरेक्ट, ठीक है। तो मतलब आपको देखो हमने क्या बोला, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप ये ढूंढो कि किस तरीके से सवाल बन सकता है, तो एनसीईआरटी पढ़े साथ में आपको नीट के क्वेश्चन लगाने चाहिए, 2016 से लेके अभी तक का नीट का क्वेश्चन लगाइए, 2016 से अभी तक का, ठीक है, और उसमें देखिए कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलता हूँ बच्चे कि एक क्वेश्चन आप लगा रहे हो, एक क्वेश्चन में चार ऑप्शन होता है, चारों ऑप्शन को आप देखो, एक तो जो सही है वो तो आंसर आपका एक क्वेश्चन बन गया, तीन गलत है तो उससे और क्या सवाल बन सकता है, तो उसका फुल एक्सप्लेनेशन देखो, इसके लिए आप यूट्यूब पे जाए और मेडिको मेंटल क्लासेस का प्लेलिस्ट देखिए, वहां पर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको एक बार आप देखोगे तो आपका मतलब 1 आवर में पूरा 11th 12th की एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट होगी, 1 आवर में विथ एक्सप्लेनेशन पूरा, और कैसे कैसे सवाल पूछा जा सकता है, बहुत फेवरेबल रहेगा आपके लिए नीट 2022 के लिए। आइए नाउ विच ऑफ दीज इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्टुरेशन, पार्टुरेशन ह्यूमन बोल रहा है, तो प्रोलैक्टिन आपको एनसीईआरटी डायरेक्ट पेज नंबर 52-54 क्लास 12 में जाएंगे, ठीक है, लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड है, आप देख लीजिए एनसीईआरटी, ठीक है, तो ये भी आपके एनसीईआरटी डायरेक्ट नहीं बोला है, ये ध्यान रखिएगा, तो आपका आंसर है इसका 4, ठीक है, लेकिन इस तरीके से एक दो क्वेश्चन है जो मैच करेंगे, ठीक, तो ये आपका पूरा खत्म हो गया बच्चे, ठीक है। तो ये हमने पूरा आपको विथ एनसीईआरटी पेज रेफरेंस के साथ सॉल्व कर दिया बच्चे, पूरा पूरा का पूरा एनसीईआरटी पेज रेफरेंस के साथ। तो हम लोग 15th September से नया आपको सीरीज लेके आ रहे हैं, ठीक है, लाइव क्लास होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरे का लाइव क्लास, ठीक है, और आप ज्वाइन करें, आपको इससे अच्छा खासा हेल्प मिलेगा, ठीक। ठीक है, इसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा बच्चे, पीडीएफ तो आप वहां से भी इसका आंसर देख सकते हैं, आप अपना टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा था बच्चे, हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो अब 15th September से हम लोग लाइव दैट इज ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन ऑल्सो ऑफलाइन क्लास फॉर नीट 22 स्टार्ट हो रहा है 15th September, तो आप इसको ज्वाइन करें, फॉर मोर डिटेल्स तो आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें मेडिको मेंटर क्लासेस, प्ले स्टोर से मेडिको मेंटर क्लासेस ऐप डाउनलोड करें और वहां पर आप अपने आप को नीट 22 आप मेंशन जरूर कर दीजिएगा, मैं आपको उस बैच में ऐड कर लूंगा, ठीक है। तो चलिए ऑल द बेस्ट, अब क्लास ओवर करते हैं बच्चे, पूरा हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक, ये भी बता दिया हमने 15th September से नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं लाइव क्लासेस का, तो आप उसको भी ज्वाइन करें, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस देखिए। चलो आज की क्लास ओवर करते हैं बच्चे, ठीक है, तो जिन्होंने एग्जाम दे दिया बच्चे टेंशन की बात नहीं, आप तो एग्जाम हो गया, आपने दे दिया जितने भी मार्क्स आए, ठीक है, आपको अब देखना है कि आप अगर कम आ रहे हैं तो आपको ये देखना है कि हमें किस तरीके से और अच्छे से प्रिपरेशन करना है, ठीक है, और जिनके आगे अच्छे तो वो तो आप कॉलेज जाएंगे अपना एडमिशन लेंगे और एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक। हाँ, तो इसके लिए बस ये है कि आपको ये रखना है अपने अंदर कि आपको आगे आने वाले टाइम में किस तरीके से बेहतर करना है, इसके लिए आपको स्ट्रेटजी अभी से बना लेना, और अगर आपके स्कोर सही नहीं आ रहे हैं
तो और आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप आज सो लें और कल सुबह उठें, अपनी स्ट्रेटजी बना लें और कल से लग जाएं और प्रिपरेशन स्टार्ट करें। जो भी हमसे हेल्प बन सकता है, अगर आप इस लाइक समझते हैं तो आप जरूर कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। आप डायरेक्टली आप इस नंबर पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9808509094, ऑल टाइम अवेलेबल फॉर योर हेल्प, क्योंकि आपकी मदद से हमारी मदद होती है। ओके, बाय, सी यू सून।